अविनाश का फोन आया था कि मम्मी की अल्ट्रासाउंड हो गई है, तो रिपोर्ट एक घंटे के बाद मिलेगी। मम्मी दीदी के घर चली गई है अविनाश के साथ, गाड़ी लेके गया था। तो क्या पता मम्मी वहाँ खाना खा के आ जाए, तो फिर इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई कि अब आएगी मम्मी गर्मी में रोटी बनाओगी, तो बाकी खाना मैंने बना दिया। लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीना सूख नहीं रहा। मैं हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। पर आज हमारी तो बुरी हालत हुई रात को, अभी सुबह लाइट आई है, कोई ढाई एक डेढ़ रात को जैसे लाइट आ रही थी, वो नीचे से देख रही है, सुन रही है, लाइट आ रही थी, उसके बाद फिर बंद, दो मिनट के लिए आ रही, फिर बंद हो रही है। और इतनी गर्मी पूरी रात, मैं तो कितनी देर उठ के बैठ गई, इसके पापा उठ उठ के इसको देख रहे थे, इसको पसीना आ रहा था, तो ये रात को उठ के पड़ा, मम्मा बहुत गर्मी है पानी, ये कितनी बार, दो तीन बार इसने उठ के पानी मांगा, इसको पानी दिया, लेकिन लाइट ने इतना तंग किया, रात इतना तंग किया कि कोई काम नहीं हो रहा था। रात को भी इतनी, सुबह के पापा के तब भी लाइट बंद थी, अभी लाइट आई है, अभी आने से बोलते ये बोल रहा है कि रात को दिन चाहिए दोपहर को। मैं चलो दिन को आ रही हूँ, इन्वर्टर तो चार्ज होगा, इन्वर्टर का तो थोड़ा इतना तो चार्ज हो जाएगा। अभी भी दुकान पे गया, मैंने उसको बोला तुझे जो खाना तू एक बार में लिया, मैं बार बार नहीं तुझे दुकान पे जाने दूंगी, एक दो तो खानी है। ये टॉफियां लेके आया, ये वाली और ये अपने खाने का सामान खोलना, और जूली के लिए लाई है ब्रेड, जूली को अभी ब्रेड में डाल दी, और इसको ट्रीट भी डाल दी है, ट्रीट कौन सी, बिस्कुट, हाँ, और अभी छोटी छोटी, हाँ ये लो ना, और फ्रिज या फ्रिज यही बैठ जा बस, और देखो पॉट ये तक ऐसे ही वाला नहीं, मैंने उसके ये डब्बे मेरे काम आएंगे, एक के चिप्स लूंगा जम्मन किया खा लिया, और एक के अंदर बपर रहेंगे, ये बॉटल है पानी की, ये खाली बॉटल इनको ले जाती हूं। हां जी, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे मुन्ना, देख गंदी, क्या हो गया कल मेरे, मैंने अभी अभी मैं पानी की बॉटल भर के दोपहर का खाना देती हूँ, क्या बनाना है पहले मुझे साफ करनी है फ्रिज, दोपहर का वो बनाना, क्या बनाऊं, ओ काले चावल, काले चावल वो वाले जिसके दही डाल के खाता हूँ मैं, ब्राउन वाले, ब्राउन वाले फिर दादी नहीं खाएगी, दादी बोलती है प्यास लगती है बहुत ज्यादा, प्यास लगती है, पीली दाल ना, चने की दाल, पीली की दाल नहीं, पीली दाल खाऊंगी, तो फिर पनीर है, पनीर था ना रात को बनाया था ना, पनीर रात को, पनीर बनाया था रात को, गाइस खाना बनाया, सिर्फ मम्मी ने खाना खाया, मैंने भी नहीं खाना खाया, ना इसके पापा ने खाया, ना इसने खाना खाया, बोलते पानी पी पी के पेट भर गया, जो रात का खाना था वैसे ही भरा हुआ था, जो सब्जी थी वो सुबह खाई, पनीर तो होगा पता नहीं, और जो फुलके थे जो रात को बना के रखे थे रोटी मैंने, और इसके पापा क्या गया वहाँ लेके मरते, वहाँ बहुत ज्यादा कुत्ते होते हैं, उनके लिए सुबह रोटी बना के लिए मदी ले जाते हैं, बोलते हैं और ये नहीं है, ये खाती नहीं है, ये खाते हैं, तो अभी क्या बनाऊं फिर, आलू है, आलू अभी आलू वाले परौंठे बनाए हैं, दादी आलू नहीं खाती बेटा, वो शुगर है ना, वो आलू क्या बनाए, राजमा बना लो, राजमा अभी परसों साहिल बोलता है रामजा बना लो, रामजा, हाँ साहिल बोलता है रामजा बना लो, नहीं मैं बना लेती अपनी मर्जी से, लेकिन मुझे पहले फ्रिज साफ कर, उसे क्या हो गया, पूछल की ला रही है, आपको खाना दिया ना बेटा, मैंने ट्रीट दिया आपको, मैं लाजा बच्चा, अच्छा ये सफाई कर रही है, बैठ जा बैठ जा, अब यहाँ बैठ जा, बहुत गर्मी में ये भी रात को, इसको सुन मेरी बात, इधर सुन, रात को इसको तेरे पापा ने इसको दही की लस्सी बना के डाली, इसको पास जाके बैठ गई है, इसको इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, अभी भी गर्मी लग रही है, देखो तो चीज निकाली हुई है, बार बार बैठ, वहाँ बैठ, जुली का इसी के सामने बैठ, जुली जुली का ला, चीजी ला, चीजी के नाम पे आती है, मी सॉफ्ट, मम्मा जी इसके बालों से तो एक तकिया उठ सकता है, ये देखो, चल ठीक है तू देख ले, मैं जरा ना वो कर लूँ मसाज, मसाज देना मसाज, नींदर आ गई उन्नू, सो जाएगी, लग देखो कितना, सुबह 4 बजे तेरे पापा ने इसको बाहर निकाल दिया था, सुबह 4 बजे नींदर आ गई, ए गंदी, अब मैं पहले फ्रिज साफ करने, फ्रिज में क्या है कि जो सामान पड़ा वो थोड़ा खराब हो गया, उनको निकाल के फेंक दूंगी, तो ये क्या करी यार, लाइट आई,
मैंने ये दोनों फ्रिज साफ किए हैं, दोनों फ्रिज पूरे साफ किए हैं। इन फ्रिज से जो पानी था ना पूरा निकल के यहाँ तक पूरा गंद पड़ा था, पूरे दोनों फ्रिज साफ किए। और मैंने हाँ जी बेटा कितनी गर्मी पड़ रही है, सच्ची मुझे नहीं पता था, अभी चक्कर आ रहा है। और अभी बनाई है मैंने दाल, ये माँ और राजमा की, चावल मैंने बना के रख दिए। और मम्मी गई है अविनाश मम्मा को लेके गया, बर्तन भी साफ किए। और मैंने ये फैन लगाया तभी जाके किचन में काम हुआ। इतनी गर्मी पड़ रही है, हाथ से जा गर्मी, बाहर तो निकला नहीं जा रहा, इतनी गर्मी पड़ रही है। और अभी तक टाइम नहीं मिला, जो डाइनिंग टेबल यहाँ से उठा के उस दिन यहाँ रखा था, अभी इसको वापस यहाँ पे लाना है। ये बोल रहे थे मैं शाम को आके करूँगा। और बाहर धूप देखिए, बाहर धूप ही वो गर्मी। और तू कहाँ जा रही है गर्मी में, हैं? चल अंदर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। हाँ जी भाई, हेडफोन वो पड़े हुए तकिए के पास, वो पड़े हुए। नाइट आई है, थोड़ा कमरा ठंडा हुआ है, बैठा जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि लाइट है, ये कल जो कपड़े धोए थे शाम को धुले थे, ये सूख गए, मैं बोल रही हूँ कि इनको प्रेस कर लेती हूँ, अगर लाइट रही तो प्रेस कर लेती हूँ। अविनाश का फ़ोन आया था कि मम्मी की अल्ट्रासाउंड हो गई है, तो रिपोर्ट एक घंटे के बाद मिलेगी। मम्मी दीदी के घर चली गई है अविनाश के साथ, गाड़ी लेके गया था, तो क्या पता मम्मी वहाँ खाना खा के आ जाए, तो फिर इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई कि अब आएगी मम्मी घर में रोटी बनाओगी, तो बाकी खाना मैंने बना दिया है। लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीना सूख नहीं रहा। मैं दाल को तड़का लगा रही थी तो मेरी यहाँ से पसीना आ रहा था। शक्ल देखो कैसी गर्मी में बन गई है, बड़ी बुरी हालत है, गर्मी में कुछ लगाने का दिल नहीं कर रहा है। अभी देखो बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, सामने दिख रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मौसम कैसा है आज? मौसम इधर मस्ती, चलो इधर मस्ती, इधर देखते क्या हो रहा है। पानी पी रही है, अभी उठाना इसे, जाए पहली जरा उठाना। ये कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हो गई है मम्मा ये। ओ भाई अकेलेगी, अकेलेगी किधर है जली, चल गई, बचाओ मुझे कोई। सुबह से इतनी गर्मी पड़ रही थी, पता नहीं बारिश आई ही नहीं। अरे जूली पूरे बादल मोबाइल में नहीं दिख रहे लेकिन वैसे पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखो।
ये देखिए यहाँ से पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं पे बर्फ पड़ी है तो कहीं पे धूप निकली है, बिल्कुल मौसम क्लियर है, पूरा मौसम ये देखिए पूरा मौसम क्लियर है। श्रीनगर वो देख सामने पहाड़ पहाड़ियाँ, ये देखिए ये देखिए। ये देखो देख रही है ना, ये देखो पूरे पहाड़ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखो मिर्ची और करेले लगे हैं, और नंदा के पापा गए हैं इधर तोड़ने के लिए, बोलते मैं तोड़ के लाऊं, मैं ले आओ। धनिया था, धनिया खत्म हो गया, करेले छोटे छोटे हैं, मिर्ची है, मिर्ची ले आओ। लाल हो, हाँ हाँ वो रहने दो, रेड वाले उसे ग्रीन वाली तोड़ना, रेड वाली नहीं। अभिनंदन डुगू ना छत पे गया, दिखाई तो दे नहीं रहा अभिनंदन। देखो मौसम बादल गए, बादल उड़ गए, लाइट बंद कर गई हमारी, बस बस तेरे को क्या हो रहा है, हैं तेरे को क्या हो रहा है, तेरे को क्या हो रहा है, तेरे को क्या हो रहा है, गरज रहे हैं ये देखो। गरज तो रहा है, पता नहीं ये बरसने का, अब इधर गरज के उधर चला गया, सिन्नर की तरफ चला गया। अभी मैं बनाने लगी हूँ भिंडी की सब्जी। ये भिंडी की सब्जी मैं आज कच्ची अम्बी होती है ना, जो छोटे आम कच्चे आम होते हैं उनको मिक्स करके बनाऊंगी। भिंडी, हरी मिर्च और प्याज मैंने काट के रखा है, और ये साथ में अभिनंदन के पापा ने छोटे कच्चे आम लाए थे तो ये मैंने काट के रखे हैं। और ये रही हमारे घर की मिर्ची, जो ऊपर छत पे लगाई थी ना अनंत बाबा ने, इतनी मिर्ची उतार ली, दो दिन पहले भी इतनी था और दो पूरे दो दिन के बाद दोबारा इतनी उतरी है, और बोलते हैं इससे ज्यादा और भी छोटी छोटी मिर्चियां पड़ी हुई है। ये हमारे घर की मिर्ची, और ये मैं अभी बनाने लगी हूँ सब्जी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं मूवी डाल के आज भिंडी की सब्जी कैसे बनाऊंगी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मेरी भिंडी की सब्जी तैयार होगी। ये मैंने कच्ची वो प्याज टमाटर और वो कच्ची माकड़ी जो अम्बियाँ मैंने काटी थी ना वो डाली मैंने इसके बीच में, और ये देखो कितनी अच्छी सब्जी तैयार हुई है। और ये मैं कुछ तीन चार लाई थी और मेरे पापा ने, ये मैंने छिली है पूरे, इनका ऊपर से मैंने पूरा छिलका उतार दिया, ये देखो ऊपर से मैंने पूरा छिलका उतार दिया, उतार के छोटे छोटे पीस काट दिए। अभी मैं क्या करूँगी, इनके ऊपर नमक लगा के पूरी रात भर इनको छोड़ दूँगी, और कल इसकी मैं बनाऊँगी चटनी, और आज इसमें नमक डाल के इसको छोड़ दूंगी, जितना पानी होगा इसका एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, और ये बनाऊंगी मैं चटनी, और ये चटनी बनेगी कल, और आज सिर्फ नमक डाल के तो तीन तीन अम्बियाँ थी तो वो मैंने डाली, ऊपर से छिलका उतार दिया और बीच में जो गुठली थी वो भी मैं निकाल दी, ये कल बनाऊंगी। किधर गए थे, कौन लाया थे, नहीं गए किधर से, गए किधर से, मैं आसपुरा गया था दादी को लेके, मैं खारकोन, और ये मंगने वाली आ गई है, जुली खाने, ये खाने खाने, ये गंदी का मैं खोला नहीं पूरा, मैं खोला इधर रैपर को मुंह लगा गई है, बड़ी बड़ी मांग रही है, हाँ मम्मा बना रही खाना। खाना खुना बनाया और इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैं नहा के आई हूँ, नहा के आई हूँ तो आके मुझे बोलता है कि मम्मा ये बेडशीट चेंज करो, इस पे मुझे ना गंद गंद लग रहा है। गंद कोई नहीं, मैंने बेडशीट पूरी साफ की थी, सिर्फ एक ही थोड़ी सी आंधी आई ना पीछे से तो थोड़ी सी मिट्टी धूल आ गई थी। अभी मुझे बोल रहा है बेडशीट चेंज करो, अभी मैंने पूरी बेडशीट चेंज करके दूसरी डाली है, अभी गया नहाने के लिए, तो बोलता पापा उधर खड़े हो जाओ मैं नहाता हूँ। और ये देखो जूली भी बेड पे आ गई है, आप ऊपर आ जा, शाबाश गुड गर्ल, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तेरे को भी खाना देती हूँ, बैठ जा। और गर्मी इतनी लग रही है हद से ज्यादा,
ऐसे गर्मी पसीना आया, ऐसे लग रहा ऐसे चुभन कोई चीज, सुइयां चुभ रही हैं, इतनी ज्यादा गर्मी लगी। बारिश हुई है थोड़ी सी और उससे भी ज्यादा और ज्यादा गर्मी हो गई है। बस यही बोलती हूँ भगवान लाइट ना बंद हो, नहीं तो आज की रात भी बड़ी मुश्किल से गुजारनी होगी। रात को भी पूरी रात ऐसे ही रही तो दिन को भी नहीं सोया ना, रेस्ट की, पूरा दिन गर्मी में तड़फते रहे। तो अभी लाइट है, मेरे 2-3 सूट कपड़े पड़े हैं, बाकी मैंने प्रेस कर, अभिनंदन के पापा के और अभिनंदन के मैंने प्रेस कर दिए थे, ये मेरे थोड़े से पड़े हैं, मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। अभी हम खाना खाने लगे हैं, ये मेरी फ्राई भिंडी जो मैंने खट्टी बनाई थी, और अभिनंदन के पापा खा रहे हैं, अभिनंदन ये खा रहा है, अभिनंदन नहाया है, अभी इसने कपड़े नहीं पहनते, बोल रहा था मम्मा मुझे मत दिखाना। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। गर्मी इतनी लग रही है हद से ज़्यादा, ऐसे गर्मी पसीना आया, ऐसे लग रहा है ऐसे चुभन कोई चीज़, सुइयां चुभ रही हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी। बारिश हुई है थोड़ी सी और उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी हो गई है।